हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनसुनी बातें विद मन। जीवन में हंसना बहुत ज़रूरी है, ये सब हम जानते हैं, लेकिन अपनी और लाइफ में इतना बिजी हो गए हैं कि हमने हंसना छोड़ दिया है। कुछ लोग व्यायाम के रूप में हंसते हैं, कुछ लोग दूसरों पर हंसते हैं, लेकिन जो सब कुछ छोड़ कर हंसते हैं वो लाफिंग मॉन्क कहलाते हैं। जी हाँ, एक बार प्राचीन समय में 3 भिक्षु रहते थे। उनके नाम आज किसी को याद नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी किसी को नाम बताए ही नहीं। चीन में वो बस 3 हंसते हुए भिक्षुओं के रूप में जाने जाते हैं। वो हमेशा एक साथ यात्रा करते थे, एक साथ ही रहते थे और हंसी के अलावा वो कुछ नहीं करते थे। वो किसी गांव या कस्बे में जाते और कहीं भी बीच रास्ते में खड़े होकर हंसना शुरू कर देते थे। धीरे धीरे वहाँ के लोग आस पास आते जाते और भीड़ इकट्ठा होती जाती। वो इतनी एकाग्रता से हंसते थे कि उनके साथ पूरा गांव हंसने लग जाता। जब उन्हें लगता कि पूरा गांव उनकी हंसी में डूब गया है, तो वो दूसरे गांव में चले जाते। वो किसी से कुछ नहीं बोलते थे और ना ही किसी को कोई उपदेश देते थे, ना ही कोई शिक्षा। वो तो बस अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते थे कि सब अपने दुख दर्द भूल जाते और उनके साथ हंसने लगते। धीरे धीरे चीन के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और पूरे चीन में वो प्रसिद्ध हो गए। वो जहाँ भी जाते, चीन के लोग उन्हें बहुत प्यार और सम्मान देते थे और 3 लाफिंग मॉन्क के नाम से वो बहुत प्रसिद्ध हो गए। उनसे पहले आज तक कोई ऐसा नहीं आया जिसने जीवन को हंसी के रूप में प्रकट किया हो। उनके लिए जीवन केवल एक हंसी था। वो किसी और पर नहीं हंसते थे, वो तो केवल हंसते थे मानो उन्होंने ब्रह्मांड के मजाक को समझ लिया हो, जैसे उन्होंने ईश्वर के मजाक को समझ लिया हो और ईश्वर की बनाई दुनिया को समझ लिया हो। उन्होंने बिना कुछ बोले चीन में इतनी हंसी फैला दी जितनी की कोई आज तक कोशिश भी नहीं कर पाया। लोग उनसे उनका नाम पूछते थे, लेकिन वो किसी का जवाब नहीं देते थे। उनकी हंसी ही उनका जवाब थी, इसलिए लोग उन्हें 3 लाफिंग मॉन्क बुलाने लगे। इस तरह पूरे चीन को हंसाते हंसाते एक दिन वो बूढ़े हो गए। एक दिन जब वो एक गांव में ठहरे हुए थे, तब रात को एक भिक्षु की मौत हो गई। पूरा गांव को दुख था, किंतु सबको उम्मीद थी कि अब एक भिक्षु की मौत हो गई है तो बाकी बचे 2 जरूर रोएंगे, और ये देखने के लिए सब गांव वाले अपना काम छोड़कर उन्हें रोते हुए देखने के लिए पहुंच गए, क्योंकि उन्होंने उनको कभी रोते हुए देखा ही नहीं था। जब गांव वाले पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दोनों भिक्षु तीसरे भिक्षु की लाश के पास खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। सब देखकर दंग रह गए कि ये तो अब भी हंस रहे हैं। गाँव के लोगों ने उन्हें समझाने की भी कोशिश की कि तुम्हारा साथी तो मर चुका है, तो तुम्हें उस पर हंसना नहीं चाहिए। तब उन भिक्षुओं ने पहली बार लोगों से बात की और कहा, ये हमारा साथी है, हम जानते हैं, लेकिन हम इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि ये जीत गया है, क्योंकि हम तीनों सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन पहले तो ये मर गया, इसलिए ये जीत गया और हम हार गए, इसलिए हम उसकी जीत पर और अपनी हार पर हंस रहे हैं। हम तीनों ने एक साथ इस जिंदगी का आनंद लिया है, इसलिए उसे विदा करने का इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं हो सकता। वो दोनों हंस रहे थे, किंतु पूरा गाँव उदास था। जब मृत भिक्षु की लाश को चिता पर लिटाया गया तो गांव वालों को विश्वास हुआ कि वो दोनों भिक्षु सही कह रहे थे। चीन में प्रथा थी कि जब किसी की मौत हो जाती थी तो उसे नीला दुला कर पुराने कपड़े की जगह नए कपड़े पहनाए जाते थे, लेकिन मृत भिक्षु ने मरने से पहले अपने साथियों को अपने कपड़े ना बदलने को कहा था। तीसरे भिक्षु ने कहा था कि मुझे स्नान मत करवाना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी खुशी थी कि उसने कभी अशुद्धता को इकट्ठा होने ही नहीं दिया, क्योंकि हंसी हमेशा ताजा होती है, इसलिए मेरे कपड़े मत बदलना। जब मृतक भिक्षु के शरीर में आग लगाई गई तो पता चला कि उसने अपने कपड़ों में चीनी पटाखों को छुपा रखा था, जो आग लगने के बाद आसमान में रंग बिरंगी आतिशबाजी की तरह फैल गई। और ये सब देखकर उदास गांव वाले एक बार फिर हंसने लगे, और इस तरह जाते जाते भी वह गांव वालों को हंसा गया। शायद यही कारण है कि हम इस धरती पर इसलिए हैं कि हम हंस सकते हैं, और हम सिर्फ हंस सकते हैं। हम कभी भी हंसी का अनुभव करना बंद नहीं कर सकते, इसलिए जब भी आप किसी समस्या का सामना करें तो आईने में देखें और जोर से हंसे, समस्या दूर हो जाती है, क्योंकि आपकी खुशी ही आपको जीवित बनाती है। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपके लिए ऐसी अनसुनी बातें लाती रहूंगी। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड।